माजी आमदार डी मल्लिकार्जुन रेड्डी यांनी नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तहसील अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या रोपवेबाबत सर्व विभागाकडून एनओसी मिळेपर्यंत रामटेक गड मंदिरात बांधण्यात येणाऱ्या रोपवेच्या ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेवर बंदी घालण्याची मागणी केली. रामटेक येथील किरार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत माजी आमदार डी मल्लिकार्जुन रेड्डी यांनी रोपवे बांधकामाबाबत 2017 पासून आतापर्यंतच्या सर्व परिस्थितीची माहिती दिली. त्यात वन विभागाकडून एनओसी न मिळाल्यानंतरही रोपवे बांधकामाचे काम सुरू आहे आणि पुरातत्व विभागाने ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया कशी काढली आहे या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. पिपरिया पेठ ते रामटेकगड मंदिरापर्यंत रोपवे बांधकामाच्या प्रक्रियेला काँग्रेस भाजप वंचित बहुजन आघाडीसह प्रहार जनशक्ती पक्षाने स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला. 17 मे जे रामटेक तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा जो प्राधिकरण के मंजूरी के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार शिखर समिति के ओर से ये मंजूर हुआ आया था, उसमें हमारे थर्ड फेस में तीसरा टप्पा मतलब थर्ड फेस में रोपवे का उसमें मंजूर था. वह हमारे नारायण टेकड़े और अम्बाड़ा वहाँ से जगन्नाथ टेम्पल से हमारा रोपवे था. आज ग्राम पंचायत का विरोध दिख रहा है, उनका कहना है कि हमारे दबाव में ले लिए उन्होंने हमारे से एनओसी, और वन विभाग का एनओसी मिलने का ही है क्योंकि पूरी जमीन जहाँ रोपवे को लगने वाला पूरा वन क्षेत्र में आता है. अब उनका भी प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ. उसी तरह से आर्कियोलॉजिकल स्टेट आर्कियोलॉजिकल का भी ऑब्जेक्शन है, उनका भी क्लियरेंस नहीं है. इन सब बात को देखते हुए जब तक ये क्लियरेंस नहीं मिले और मंदिर को प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार किया जाए ऐसे हमारी सबकी मांग है. रामटेक वालों की जो मांग है के सामने से होना चाहिए, उसके लिए हम समर्थन करते हुए ये पूरे पीछे से ले उसका पुनर्विचार किया जाए. जब तक एनओसी नहीं है, जब तक लैंड अवेलेबल नहीं है और पूरा उसकी परमिशन नहीं मिली, तब तक निविदा प्रक्रिया को भी रोक लगाई जाए.